आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ फॉर क्लास 12th, जिसके अंदर हम लोग सोल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 11। वो क्या है? सो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिसेस ox, oy एंड oz आर (1/√3, 1/√3, and 1/√3)। तो जब हम लोग वेक्टर का जब फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे फर्स्ट क्लास, तो उसमें हम लोग डिस्कस किए थे डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ये, पहले तो हम लोग डायग्राम इसका बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, किस तरह से एक्सिस बनाते हैं। ये क्या है? इस तरह से 3D प्लेन में है मेरा, ये ओ है, तो ये ओ एक्स, ये ओ वाई, ये ओ जेड, ये 3D प्लेन है, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड। तो सो दैट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड, एक वेक्टर है यहाँ पे, सपोज पी पॉइंट ओ पे कोई वेक्टर है जो क्या है इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सिसेस ओएक्स, ओवाई, ओजेड, यानी कि जो पी ओपी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो क्या है सेम है। यहाँ पे हम लोग लिखे थे, मानते थे क्या, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। यहाँ पे क्या है अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे गिवन में मेरा क्या क्या है, गिवन है मेरा क्या अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट ओपी मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस एंड जेड गामा विद जेड एक्सिस। लेट ओपी वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, हम लोग लिख सकते हैं बीटा विथ वाई एक्सिस एंड गामा विथ जेड एक्सिस, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है। तो हम लोगों को प्रूव क्या करना है, सो दैट डायरेक्शन को साइंस ऑफ द वेक्टर इतना आर 1/√3, 1/√3, 1/√3, यानी कि जो डायरेक्शन को साइंस होगा, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, जो क्या कहलाता है डायरेक्शन कोसा आर, आर डायरेक्शन कोसाइंस, ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होगा वो क्या होगा, सब क्या इक्वल होगा, यानी कॉस अल्फा भी 1/√3 होगा, कॉस बीटा भी 1/√3 होगा और कॉस गामा भी 1/√3 होगा। यही हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। सबसे पहले तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हम लोगों को दिया हुआ है, तो अगर हम लोग मानते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या है, इसका डायरेक्शन कोसाइंस है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, डायरेक्शन कोसाइंस जो क्या होता है, ये हम लोग पढ़े थे, वी नो दैट, इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है 1, ये होता है डायरेक्शन कोसाइंस का। ये जो है अगर अल्फा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, तो ये रिलेशन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यानी कॉस अल्फा, अल्फा के जगह पे बीटा, बीटा के जगह पे गामा, इस तरह से हम लोग रखेंगे। तो अगर हम लोग इसको रखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तीनों के जगह पे अल्फा रख लिख दिए, ठीक है। तो हम लोग तीनों के जगह पे अल्फा लिख दिए, तो ये क्या हो गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, यहाँ पे हम लोग कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा रूट अंडर 1/3। तो यहाँ पे क्या हम लोग बस क्या किसमें डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्टेंट होगा यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव, बस अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी 1/√3, कॉस अल्फा मेरा क्या हो गया 1/√3, तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गया इसका। इसी तरह से क्या होगा कॉस बीटा भी उतना ही होगा, कॉस गामा भी उतना ही होगा, क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, देन कॉस अल्फा निकल गया, देन कॉस बीटा भी क्या हो जाएगा 1/√3 एंड कॉस गामा क्या हो गया
ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos alpha equal to cos beta equal to cos gamma equal to 1/√। क्या हो गया मेरा प्रूफ हो गया, ये मेरा प्रूफ हो गया। तो यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।